फ्रेंड्स अब हम देखते हैं किसी मैट्रिक्स का हम इनवर्स मैट्रिक्स किस तरह से निकाल सकते हैं बिना उसको डिटरमिनेंट निकाले हुए। टू फाइंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, यानी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन रो को चेंज करके कॉलम्स को चेंज करके किस तरह से हम उसका इनवर्स मैट्रिक्स निकाल सकते हैं किसी मैट्रिक्स ए का। तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, पहले एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, एनी ऑफ द थ्री ऑपरेशन अप्लाइड ऑन द रो ऑफ अ मैट्रिक्स इज नोन एज एलिमेंट्री रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। यानी कोई हमारे पास ये तीन रो ऑपरेशंस हैं, इनमें से कोई भी हमारे पास अप्लाई करते हैं तो ये जो मेथड होते हैं ये एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं जो कि रो और कॉलम पे अप्लाई किए जाते हैं। फर्स्ट है हमारे पास इंटरचेंज ऑफ एनी रो और कॉलम, दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज इंक्लूडेड बाय आर आई जे इज इंटरचेंज बाय आर आई जे। यानी कोई रो या कॉलम को हम इंटरचेंज कर दें, यानी आर आई की जगह हम आर जे को पुट कर दें और आर जे की जगह आर आई को पुट कर दें। इफ द आईथ रो एंड जेथ कॉलम आर इंटरचेंज, या तो रो आईथ रो एंड आईथ कॉलम होगा फ्रेंड्स, जे कॉलम नहीं होगा, रो नहीं होगा। ये तो हमारे पास इंटरचेंज हो जाएगा। और अगर हम जे आई जे चेंज को भी चेंज करें तो इस कंडीशन में आईथ कॉलम एंड जेथ कॉलम आर इंटरचेंज, आई और सी जे को भी हम इंटरचेंज कर सकते हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ये रहा। सेकेंड एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें, मल्टीप्लाइंग एवरी एलिमेंट ऑफ अ रो और कॉलम बाय नॉन जीरो नंबर्स। फ्रेंड्स नंबर जो होना चाहिए नॉन जीरो नंबर होना चाहिए, यानी जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो से मल्टीप्लाई करके हम उसको चेंज नहीं कर सकते। दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज इंडिकेटेड बाय आर आई जे, अगर हम आर आई में चेंज कर रहे हैं तो आर आई टेंस टू के डॉट आर आई, यानी जो हमारे पास है रो है उसको के से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इफ द एलिमेंट ऑफ आई थ्रू मल्टीप्लाई बाई के नॉट इक्वल टू जीरो, और सिमिलरली इस तरह से हम कॉलम के लिए भी इसको डिफाइन कर सकते हैं। थर्ड जो एलिमेंट्री ऑपरेशन होता है वो होता है हमारे पास एडिंग ऑफ द एलिमेंट ऑफ द आई थ्रो और कॉलम ऑफ द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम मल्टीप्लाइड बाई स्केलर के। यानी हमारे पास एडिंग ऑफ द एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम ऑफ द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम, यानी कोई मैट्रिक्स होगा, सपोज हम रो में चेंज कर रहे हैं तो रो के चेंज करने के लिए हम कोई दो रो को ऐड कर दें, उसके मतलब फर्स्ट आर वन के एलिमेंट्स को आर टू के एलिमेंट्स से, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स से, A11 को A12 से, A21 को, जैसे हम यहाँ से देखें इस मैट्रिक्स से, इस मैट्रिक्स से समझने की कोशिश करें। सपोज हमारे पास ये मैट्रिक्स है तो इसके लिए हमारे पास ये कह रहा है थर्ड जो है, ये सपोज इस रो में और इस रो में हम चेंज कर रहे हैं तो दो रो में चेंज करने के लिए हम क्या करें, सपोज R1 में चेंज कर रहे हैं, R1 में कि R1 में R1 प्लस इसमें कुछ का मल्टीप्लाई करें, हम 1 का मल्टीप्लाई करें, 2 3 किसी का भी मल्टीप्लाई करके उसको इसमें ऐड कर दें। तो ये जो एलिमेंट होगा इसमें सपोज जब उसमें करेंगे तो हम A11 डॉट जो जिसका मल्टीप्लाई हम करें तो इस एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग, हर एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग उसको करना होगा। तो इस तरह से हमारे पास ये थर्ड हमारे पास इसका एलिमेंट्री ऑपरेशन हो जाता है। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस को डिफाइन कर सकते हैं।